हट्टा पुलिस ने जेवरात की चोरी कर महिला की हत्या करने वाले फरार आरोपी डूंडा उर्फ इंद्रजीत बशेने को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से चोरी किए गए जेवरातों को भी बरामद किया है। इस मामले में पुलिस एक आरोपी केवल इल्लार को 3 दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आयोजित प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि लालबरा पुलिस ने आरोपी केवल इल्लारे को वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल सहित संदिग्ध हालत में पकड़ा था, जिससे पूछताछ करने पर उसने क्षेत्र में चोरी करने और हट्टा थाना के ग्राम पटकरी में 7 फरवरी 2023 की रात्रि में अपने साथी डूंडा उर्फ इंद्रजीत के साथ मिलकर जेवरातों की चोरी के पश्चात महिला शालू उर्फ निर्मला कोसरे की हत्या किया जाना भी बताया गया था। आपको बता दें कि ग्राम बटकरी नक्सल प्रभावित व दूरस्थ गांव है और महिला निर्मला की हत्या अंधे कत्ल के रूप में इसकी विवेचना की जा रही थी। पुलिस उसे लेकर जांच कर रही थी पर आरोपी तक नहीं पहुंच पाई थी, बल्कि मामले में पति या किसी ग्रामीणों के द्वारा हत्या किए जाने का संदेह जताया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से इस अंधे हत्याकांड का खुलासा हुआ है, इससे पूरी कहानी ही अलग तरह से सामने आई है। आपको बताया कि गिरफ्तार किए गए केवल लिल्लार के खिलाफ चोरी के आधा दर्जन अपराध दर्ज है, तो वहीं डूंडा उर्फ इंद्रजीत के खिलाफ बालाघाट व सिवनी जिले में चोरी के 18 मामले व बलवा सहित अन्य प्रकरण दर्ज है। चोरी के मामले में ये दोनों जेल में रहे हैं। जेल में ही इन आरोपियों को एक अन्य आरोपी बटकरी निवासी सुरेंद्र से परिचय हुआ था और उसी ने बताया था कि महिला निर्मला बाई अवैध शराब बेचती है और उसके पास बहुत पैसा व जेवरात भी है। जेल से बाहर आने पर केवल और डूंडा उर्फ इंद्रजीत 7 फरवरी को ग्राम बटकरी थाना हट्टा उस महिला के घर गए थे और रेकी करते हुए शराब की खरीदी की थी। वहां से वापस आने के बाद फिर से जाकर सोने चांदी के जेवरात की चोरी किए। इस बीच महिला निर्मला जाग गई तो उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर वे फरार हो गए थे। दिनांक 28 अप्रैल 2023 को पुलिस थाना लालपुरा में वाहन चेकिंग के दौरान उसमें दो लोग संदिग्ध थे, एक जिसमें पकड़ में आ गया था जिसका नाम केवल था। इनके पास में एक मोटरसाइकिल मिली थी। जब इनके वाहन और डिक्की की तलाशी ली गई तो डिक्की में सोने चांदी के कुछ जेवरात मिले थे। चूँकि दोनों ही संदिग्ध थे और उसमें से एक जो इसके साथी था, केवल का साथी इंद्रजीत, वो वाहन चेकिंग के दौरान भाग गया था। जब केवल को पूछताछ बुलाकर पकड़ के पूछताछ किया गया थाने लाकर, तो केवल ने ये बताया था कि उसने ईश्वरी प्रसाद नकपुरे के यहाँ से अभी चोरी की थी 2-3 दिन पहले। सोने चांदी के आभूषण उसके यहाँ के भी हैं। साथ ही उसने एक और बात बताई कि बटकरी थाना हट्टा के अंतर्गत दिनांक 7-8 दूसरे महीने में फरवरी माह में दरमियाने रात एक हत्या हुई थी एक महिला की, जिसका नाम था शालू पति रविंद्र, जो जाति के लोहार थे और बटकरी के रहने वाले थे, शराब बेचने का काम करती है। जो इसके साथी ने ये बताया था कि इंद्रजीत डूडा और केवल इसके यहाँ पर चोरी करने की नीयत से घुसे थे। महिला के जाग जाने पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी और उसके यहाँ से मोटरसाइकिल और कुछ सोने चांदी के जेवरात चुराए थे। दिनांक 6-5 को सोनेमारी के जंगल से इंद्रजीत डूडा को गिरफ्तार किया गया है और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि कुछ महीने पहले वो जेल में बंद थे, वहाँ पर उनको एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति मिला था जो कि बटकरी हट्टा का रहने वाला है और 307 के अपराध में जेल में बंद है। उसी के द्वारा बताया गया था कि शालू निर्मला के पास में पैसा और सोने चांदी की जेवर रखे रहते हैं, खूब सारा पैसा उसके पास में रखा रहता है, चूँकि नंबर 2 का काम करते हैं, शराब बेचने का काम करते हैं, उसके पास पैसा रखा, तो उसकी सूचना पर इन्होंने वहाँ पर चोरी का अंजाम देने के लिए गए थे। प्रथम दृष्टया दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंद्रजीत डूडा से हत्या में प्रयुक्त अन्य जो सामान था वो जब्त किया गया। सर, इसके अलावा और भी इसके ऊपर